हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिनेमा इंडिया। फ्रेंड्स, सनम बेवफा जैसी फिल्म को डायरेक्ट कर चुके फिल्म मेकर सावन कुमार टाक का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को उन्हें फेफड़ों में संक्रमण के चलते कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। लेकिन अब खबर आई है कि उन्होंने आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आज तक से बातचीत में सावन कुमार के पीआर मिंटू सिंह ने बताया कि सावन जी की उम्र 86 साल थी। वो शादीशुदा नहीं थे, उनकी 3 बहनें और 1 भाई हैं। 2 दिन से उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल शाम 4 बजे के आसपास उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने अब तक 19 से ज्यादा फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। सावन कुमार ने ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे सनम बेवफा, सौतन, साजन बिना सुहागन जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है, वहीं इन्हें लिखा भी है। कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट होने के बाद से ही सावन की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। सावन कुमार के भतीजे नवीन कुमार के मुताबिक 86 वर्षीय फिल्म मेकर की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों में संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण उन्हें कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने बताया था कि उनकी हालत गंभीर है, क्योंकि उनके फेफड़े और यहां तक कि दिल भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर्स ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि सावन टाक फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को सेलेक्ट कर लें।